इनके लिए पूरे भारत में ये एक अभियान चलाया गया ताकि इनको से मुक्ति हो। तो हाई स्कूल में नर्स, ये जो नर्सरी स्कूल है उनमें, आंगनवाड़ी स्कूलों में, इन सब में ये टेबलेट पहुँचाई जा रही है और ये आपको टेबलेट दी जाएंगी और बाकी सब आपको डिटेल से बेटा। वॉर्म का मतलब होता है जो लंबे फैलने वाले, लंबाई के अंदर बढ़ने वाले कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं वॉर्म। जो जनरली हम सीधे तो नहीं खाते, खाना खाते तो दिख जाते हैं, परंतु इनके जो एग होते हैं, एग का साइज बहुत छोटा होता है। जैसे हम मार्केट से पालक लेके आ गए तो उनके अंदर होंगे, दिखेंगे नहीं आपको। कोई सब्जी लेके आ गई, कई बार अपने नेल्स में मिट्टी होती है, हम खाना खाते हैं उसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर स्पेशल कवर होती है, प्रोटेक्शन होती है। उनके एग तो कुछ वॉर्म्स होते हैं, उनके एग से इतने इफेक्टिव होते हैं, 10 साल तक बिना किसी एनर्जी के रह सकते हैं बाहर मिट्टी के अंदर, 10 साल तक एक्टिव रह सकते हैं। तो वो क्या होता है, कैसे न कैसे किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में चले जाएंगे, जिसपे न तो आपकी स्टमक का एसिड काम करता है, न उस पर सलाइवा काम करता है, तो क्योंकि उसके ऊपर कवर होती है। उसके बाद में वो इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन नाम सुना होगा, 10th क्लास तक वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में वो एग से बाहर निकल जाते हैं, मतलब वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीड़े के रूप में चेंज हो जाते हैं। अब उनको क्या चाहिए बेटा, न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, जो न्यूट्रिशन आप खाते हो उन्हीं में से लेंगे। अब आप न्यूट्रिशन सफिशियंट खाते हो तो वो आधा स्वभाव खा जाते हैं। इसलिए आप कई बार होते हैं, कुछ लोग देखते हो बहुत कुछ खाते हैं पर वो रहते भी की है, कमजोरी आती है, चलते को चक्कर आ रहे हैं, ये चीजें, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन तो वो खा रहे हैं। उसके बाद होते हैं कई बार हम पूरे दिन खाली पेट रह गए तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो कुछ तो कुछ खाएंगे, आपके इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देते हैं अंदर से। उससे क्या होगा, हमारी जो अंदर की प्रोटेक्टिव कवर है वो हट जाती है, जिसके कारण से वो ब्लड में भी आ सकते हैं, ब्लड से हार्ट में भी आ सकते हैं उनके, और कई बार क्या होता है ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुछ पिछले दिनों में यूएसए में एक लेडीज थी, उसके 10 साल से लगातार हेडेक हो रहा था, उसके बाद में पता लगा कि उसके प्लेटी हेलमेंथीज के एग है वो ब्रेन तक पहुंच गए। पहुंचे कैसे, पेट में थे, उसके बाद में इंटेस्टाइन में पहुंच गए, इंटेस्टाइन से ब्लड में आ गए, ब्लड से वो घूमते हुए कहां चले गए बेटा, ब्रेन तक पहुंच गए। तो यहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए नेशनल लेवल पे पूरे साल सभी बच्चों को एक बार ये हमारे पास टेबलेट है, ये दी जा रही है। ये क्या होती है बेटा, ये उन वॉर्म्स को खत्म कर देगी, ये सब एक साथ इसलिए करते हैं कि वो पूरी तरह से साइकिल है वो पूरा खत्म हो जाए। वरना क्या होता है बेटा, वेस्ट मटेरियल से दूसरे वापस कहाँ चला जाता है, जैसे वाले अपने तो यहाँ पे नहीं है, पर कुछ जगह जो होता है सीवेज वाटर से जो फसलें होती हैं या हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स वो तैयार की जाती है, फिर वो घूमते हुए वापस हमारे अंदर आ जाती है। इस टाइप से इसका सर्किल चलता रहता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि सर्किल टूटे, इसलिए एक साथ सभी को ये टेबलेट्स दी जा रही है। इस टेबलेट को आपको चबाते हुए यूज करना है, चबा के यूज करोगे तो ये जैसे टेस्ट में थोड़ी मीठी है, जिससे वॉर्म्स क्या होते हैं इसके पास में कलेक्ट होंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मान लो किसी के वॉर्म्स नहीं है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अब जिसके हैं तो उनको तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब आपको भी सर हमारे को तो नहीं पता, कुछ वॉर्म्स होते दिखते नहीं है पेट के अंदर, किसी तरह स्टमक पेन भी नहीं हो रहा है, हेडेक भी नहीं हो रहा, कुछ लोगों में एलर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं किसी को, कुछ लोगों की स्किन की एलर्जी होती है वो उनसे ही होती है, उनसे जो सिक्रेट होने वाला सब्सट्रेट है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, इससे क्या होता है कुछ विशेष टाइप की एलर्जी भी होती है। तो इस टेबलेट को आप यूज करेंगे, कोई नहीं है किसी के तो किसी टाइप का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों का खींच गए, सांसों का खींच गए, मुट्ठियों का खींच गए, सांसों का खींच गए, सबसे टकराने दो, शिखर पर जाने